तो देखो, अगर देखोगे प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में, तो अगर यहाँ से देखा जाए कि दो पार्टिकल है, अगर वो दो पार्टिकल तुम देखोगे यहाँ से, ये दोनों पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट आर मूविंग टुवार्ड ईच अदर अंडर द फोर्स ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटी। देखो अगर दो पार्टिकल है, एक का मास, टू पार्टिकल है से, मतलब एक का मास m1 है, चलो दूसरे का मास यहाँ से m2 ले लो, अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दिस इज बेसिकली, दिस इज इंटरनल फोर्स, ये इनका इंटरनल मामला, अंदर का मामला है, तो ये इनका इंटरनल मामला है, तो ये मोमेंटम कंजर रहेगा एट द इंस्टेंट व्हेन स्पीड, कभी ये दूसरे के थोड़ा सा करीब आए होंगे, इन्फिनिटी से आएंगे, तो अगर यहाँ पे कभी आया होगा ए, तो इसकी स्पीड यहाँ पे भी है, तो इस वाले की स्पीड कितनी होगी बी डैश, और नहीं इसकी बी डैश 2b है, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो अब देखो, जब बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो लग रहा है उनके बीच, वो एक इंटरनल फोर्स है, तो जब कभी भी सिस्टम पे इंटरनल फोर्स लगता है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे जीरो है, दोनों मास पे, दोनों को ये साथ, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp ओवर, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या रहा है, कंजर रहेगा, और मोमेंटम अगर कंजर है तो m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है। वैसे भी यार एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, इसको याद रखो कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो जब ये दोनों बहुत दूर थे तो इंटरनल फोर्स है, जब रेस्ट में थे, इनिशियली रेस्ट में थे, तो सेंटर ऑफ मास इनका रेस्ट में था, तो जब ये चलेंगे तभी भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा, इसको याद रखो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट। थैंक यू।